Myself Rashmi Singh, I am your Hindi teacher of class 4. So first of all, you are all welcome in today's class. Your chapter is chapter number 3 and your today's topic is Skirmish Ki Game. And our book name is Ranjit and today we will study pages 11 to 16. First of all, I will show your course book. This is your course book Ranjit and this is your चैप्टर नंबर 3 किर्मिच की गेम। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पर इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला है किर्मिच। किर्मिच क्या होता है बच्चों? मोटे कपड़े से बनी हुई गेंद होती है। दोपहर, दोपहर का मतलब होता है दिन का समय। सीताफल एक प्रकार का फल होता है। फल बहुत सारे होते हैं, जैसे सेब, अनार, अनानास, है ना, उसी प्रकार से सीताफल भी एक फल होता है। चम चमाती मीन्स होता है चमकना। अब बच्चों कहानी का परिचय मैं आपको दूंगी। इस कहानी में एक बच्चा होता है दिनेश। क्या होता है, उसके घर पर उसकी माँ सिलाई मशीन चला रही होती है। अचानक से बगीचे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनते ही दिनेश को अनुमान हो जाता है कि क्या चीज़ आकर बगीचे में गिरी है। वह उसे ढूंढने चला जाता है। वहाँ जब बहुत ढूंढता है तो उसे एक किर्मिच की नई गेंद मिलती है। जब वह उस गेंद को लेकर खेलने के लिए बच्चों के बीच जाता है तो बहुत सारे बच्चे उस गेंद को अपने बनाने के लिए कई तरह के तर्क देते हैं। अंत में जो वह गेंद होती है वो एक अजनबी व्यक्ति के स्कूटर की डिक्की में गिर जाती है और उसके साथ चली जाती है। यह हमारी शॉर्ट में स्टोरी है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लब क्या होता है बच्चों? क्लब का मतलब होता है बच्चों का एक ऐसा समूह जिसमें सारे बच्चे पैसे मिलाकर अपने खेल से संबंधित सारे खिलौने खरीद कर लाते हैं। कहानी में कौन कौन से पात्र है? दिनेश है, दिनेश की माँ है, दीपक है, अनिल है, सुनील है और सुधीर, और स्कूटर वाला वह अजनबी व्यक्ति। तो आइए बच्चों अब इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों का समय था। गर्मियों में सभी की छुट्टी हो जाती है। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। जब हम फ्री होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं? कहानियों की किताब पढ़ते हैं। इसी तरीके से दिनेश पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर गया। बच्चों बरामदा क्या होता है? बरामदा होता है हॉल, है ना, सभी के घरों में होता है। और चिक का मतलब होता है पर्दा, है ना, पर्दे के जैसा होता है। उसे सरकाकर वो बाहर की ओर चला गया। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? किसने कहा? दिनेश की माँ ने। बाहर लू चल रही है। लू होती है गर्म हवा, जो गर्मियों में जून के महीने में चलती है। गर्म हवा, एक गर्म हवा चल रही, इसलिए उसकी माँ ने उसे रोका। मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। किस तरह की मशीन बच्चों? जरा सोचो, सिलाई की मशीन। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, जून का महीना सबसे गर्म महीना, धरती भी तवे के समान तप रही थी, गर्म हो रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्या लगे हुए थे? भिंडियों के पौधे। एक और सीताफल की घनी बेल थी। सीताफल मैंने बताया एक प्रकार का फल होता है जो बेल के रूप में, ना, इसकी बेल होती है उस पर इस प्रकार का फल आता है। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस के गड्ढे बना रखे थे, मतलब हो सकता है चूहे,
है ना, किसी जानवर का नाम है, छोटे से जानवर का जिसने अपने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एकदम चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। बच्चों को खेल खिलौनों से देखो कितना प्यार होता है कि वो इतने गर्म दिन में लू चल रही है और नंगे पैर बॉल की आवाज़ सुनकर लेने चला गया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा हो, मतलब एकदम नई गेंद थी। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत को देखा। 3 मंजिली इमारत का मतलब क्या होता है? 3 मंजिली इमारत इसका मतलब होता है 3 मंजिल की बिल्डिंग होती है ना, जिसमें 3 मंजिल होती है ना। इस प्रकार से उसकी ओर देखा। किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के उस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। जिस तरफ दिनेश खड़ा था उसे लगा यदि किसी बच्चे की हो तो मैं उसे लौटा दूं। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, मतलब बहुत तेज दोपहर का वक्त था। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के नाम दोहराए, मन में दोहराए। हो सकता है उसकी वो शायद उसने खरीदी हो, मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी हो तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? बहुत सारे विचार उसके मन में आए। हो ना हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां केवल 2-4 गाय ही उसे दिखाई दे रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना मीन्स सोना, क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ती है तो पंछी हो चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो सभी पेड़ों के नीचे छाए की तलाश करते हैं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। पर दिनेश तो अपने काम से घूम रहा था, उसे गेंद मिल गई थी। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। क्लब एक बच्चों का समूह होता है जिसमें सभी पैसे मिलाकर खेल की चीजें खरीदते हैं। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले लेना। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश ने पूछा। यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है? दिनेश ने कहा, क्योंकि गेंद कैसी थी? बिल्कुल नई। फिर वह मेरी होगी, सुधीर बोला। तुरंत उसने अपना अधिकार जताते हुए कहा, वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूँ। ये तो बहुत ही आसान है, यदि हम किसी को गेंद दिखा देंगे तो देखकर तो कोई सी भी निशानी कोई भी बता सकता है। बच्चों का जो स्वभाव होता है अक्सर इसी प्रकार का होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मन के भोले भाले होते हैं। उन्हें ईमानदारी सच झूठ से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ खेलने की वस्तु चाहिए होती है। तो सभी बच्चे उस गेंद को अपना बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तर्क दे रहे हैं। दिनेश ने पूछा, वहाँ ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, बिन देखे बता तब तो मैं जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर कर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में बहुत चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है, कैसे भाई तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा, कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी
हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। इस वाली जो गेंद पर दाग नहीं था, बिल्कुल नई थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर, सुनील सभी का सहारा ले रहे हैं। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, किसने कहा, दिनेश ने, मैं किसी को दूंगा नहीं, ऐसा दिनेश ने कहा। गेंद आ गई, दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। कौन बोला, दीपक, क्योंकि दीपक बहुत ही चतुर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें, सभी के टप्पों की आवाज ऐसी ही आती है, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलता है। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दीपक ने धुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार अजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। अब तो सुनील, दीपक, सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलने की। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। वह बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते स्कूटर के साथ गेंद भी वहां से चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर जोर से हंसने पड़े। तो बच्चों, इस कविता के लेखक कौन है? शांता कुमारी जैन। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे थे जो आपस में गेंद से खेल रहे थे। खेलते समय सभी ने उस नई किरमिचकी गेंद पर अपना अपना हक जताना शुरू किया। अंत में क्या हुआ, वह गेंद किसी को भी नहीं मिली। एक अजनबी व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था और सामान रखने की स्कूटर की जो जाली होती है उसमें गेंद गिर गई और वह व्यक्ति अपने घर चला गया। यानी कि गेंद किसी के भी हाथ नहीं आए। तो ये स्टोरी का जो अंत है बहुत ही फनी एंडिंग है इसकी, है ना, मजाकिया अंत है। तो बच्चों, मुझे आशा है आज की कहानी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।